वेलकम टू इलास्ट्री प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला द्वारा एक नई एडवर्टीजमेंट निकाली गई है। इस एडवर्टीजमेंट को डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपकी एलिजिबिलिटी बनती है इन पोस्टों को अप्लाई करने के लिए तो आप 16 जनवरी 2020 से पहले पहले अप्लाई कर लें। नीचे आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इनका लिंक है जो ब्लू कलर में यहाँ पर डिस्प्ले किया गया। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। देखिए इसमें डिफरेंट कैटेगरीज की निकाली गई है। मेडिकल एजुकेशन से संबंधित वैकेंसीज है जितनी भी है, और देखिए यहाँ पे SLVS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में ये वैकेंसीज भरी जाएगी, जिसमें देखिए डिफरेंट तरह की वैकेंसीज है। नंबर 1 पे असिस्टेंट प्रोफेसर है एनाटॉमी के, 2 पे असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर फार्माकोलॉजी। देखिए इस तरह से नीचे तक आप इसको देख सकते हो, ये आपकी एलिजिबिलिटीज़ के हिसाब से बनती है। इसके आगे इनके लिए आप एक्सट्रैक्ट ऑफ पार्ट ए एंड एनेक्चर 2 के बारे में यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। इस तरह से नीचे तक देखेंगे आप तो काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज में विभिन्न तरह की पोस्टें यहाँ पे निकाली गई है। इनका आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो अपने पास। यहाँ पर देखिए 13 कैटेगरीज के ऊपर रिक्रूटमेंट होने जा रही है, और देखिए आयु सीमा इसके लिए भी 45 वर्ष से कम होनी चाहिए तभी एलिजिबल माने जाएंगे। और इसके नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के लिए भी यहाँ पे निर्धारित किया गया है कि रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूड इन द 1st और 2nd शेड्यूल और Part 2 ऑफ द 3rd शेड्यूल अदर देन लाइसेंट क्वालिफिकेशंस टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 होल्डर ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इंक्लूडेड इन Part 2 ऑफ द 3rd शेड्यूल should also fulfill the condition stipulated in subsection 3 of section 13 of the Indian Medical Council Act 1956. तो इन एक्ट के अंतर्गत भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी फॉलो करके आप इसके लिए भर सकते हो। और देखिए सेकंड है, इसमें राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज है पपरोला में, तो वहाँ के लिए एक पोस्ट है। नेम ऑफ द पोस्ट है प्रोफेसर क्लास 1 गस्टिड की पोस्ट रहेगी। नंबर 1 की पोस्ट है, क्वालिफिकेशन आप नीचे इसकी देख सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप आगे देखेंगे होम्योपैथिकल मेडिकल ऑफिसर की एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। इसके लिए आप नीचे देख पाएंगे इसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, यहाँ से आप इसको क्वालिफिकेशन देख लें। अप्लाई करने की प्रोसेस भैया देखिए नीचे आप एक ब्लू कलर में लिंक देख पा रहे होंगे, या इस चीज़ को आप अपने गूगल में टाइप करेंगे तो वहाँ पे इनकी वेबसाइट खुल जाएगी HPPSC शिमला की। जनरल कैटेगरीज के लिए 4400 फीस है। SC और ST OBC BPL ऑफ HP EWS के लिए 100 फीस है। एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो जल्दी से, और आप हमारी वेबसाइट elastedico.in www.elitestudy.co.in यदि आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है हमारी टीम के द्वारा, तो इसको आप नियमित रूप से विजिट करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टेड यूट्यूब चैनल।